साथियों, अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने जो भर्ती बोर्ड की यूपीपीआरपीबी की जो अध्यक्षा हैं श्रीमती रेणुका मिश्रा मैम, उनको हटा दिया है। तो अब निष्पक्ष कार्रवाई और कड़ा एक्शन महाराज जी ले रहे हैं। जितनी भी पेपर लीक माफिया, इसको गिरफ्तार किया जाए। तो उम्मीद है कि भविष्य में उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होने से रुकेंगे और मेहनती बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एक्शन है। जय हिंद। साथियों, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल परिश्रम बैच के स्टूडेंट्स थे जो जनवरी में आया था, उन सभी को परिश्रम दोबारा बैच एग्जामपुर की तरफ से एकदम बिना किसी चार्ज के दिया गया कि आप लोग आगे भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें और वर्दी के सपने को पूरा करें। कुछ स्टूडेंट्स को वो बैच मिलने में परेशानी हो रही है, क्योंकि बच्चा बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आगे बढ़ाना है, नया बैच देना। एक तो होता है वैलिडिटी बढ़ाना, एक होता है नया बैच देना। वैलिडिटी बढ़ानी तो परिश्रम की बहुत आसान है, पर जब परिश्रम दोबारा बैच आपको देते हैं तो आपको ऐड करना पड़ता है हमें पीछे से। ऐप हमारी है नहीं, ऐप हमारी किराए की है, तो वहां से बातचीत हुई है, उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। शाम तक आप सब लोग ऐड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अभी क्लास शुरू नहीं हुई है, आज केवल सिलेबस डिस्कशन है, कल से क्लास शुरू होंगी। तो परेशान ना हो, अपने एग्जाम्पल का सपोर्ट करते रहें, आपको कोई परेशानी नहीं आने देंगे। थोड़ी शाम तक का वेट करें।